हमास और इजराइल बीते 6 महीने से जंग लड़ रहे हैं। इजराइल द्वारा हमास को खत्म करने का संकल्प गाजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। गाजा में पैदा हुई मानवीय परिस्थितियों को लेकर दुनिया भर के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में लोग बड़ी संख्या में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। वो लगातार गाजा में जंग रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन संघर्ष विराम को जारी रखने के लिए सोमवार को पश्चिम एशिया की यात्रा करने वाले हैं, लेकिन इजराइल की राजनीति और हमास की चुप्पी ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वो वाकई इस मकसद में सफल हो पाएंगे। शीर्ष अमेरिकी राजनयिक युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 7 बार क्षेत्र की यात्रा कर चुके हैं। वो एक बार फिर संघर्ष विराम से जुड़े प्रस्ताव पर काम करने के लिए यात्रा करने वाले हैं। वो पहले मिस्र फिर इजराइल जाएंगे। ब्लिंकन पहले काहिरा में राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ बंद कमरे में वार्ता करेंगे। उसके बाद यरूशलम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत करेंगे।